हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ जी धोबी कैसे कपड़े वगैरह धुलकर आए थे, तो बस घर में आ गई थी। तो उस दिन का तो मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। फिर मैंने नेक्स्ट डे से स्टार्ट किया अपना काम। शाम कपड़े शपड़े तेज करके रखे आकिब के, और अपने सारे धोबी के गए हुए थे धुलने के लिए। बस मैंने कहा सफाई सफाई में सारा दिन ऐसे गुजर जाएगा। आप लोगों को पता है जिस दिन मैं आती हूँ उसके बाद सफाई में रखती हूँ। और यहाँ जी आके बैठे थे, थके हुए, टांगों में बहुत शदीद दर्द हो रहा था, तो बस मैं उनकी टांगे वगैरह दबा रही थी। चलो मैंने कहा थोड़ा सुकून मिल जाए। सो पता नहीं क्यों आज हमारी लाइट चली गई है और हम लोग यार लोग तो क्या ही नहीं है, और हम लोग बाहर जा रहे हैं। देखते हैं, अभी तो फिलहाल अकेले जा रहे हैं, आगे से क्या पता जलानी भाई लोग भी जाएं, उनको ज्वाइन कर लें, बट अभी तो हम अकेले जा रहे हैं। और जी फिर उसके बाद हम लोग बाहर आए तो हमें भूख लगने लग गई थी थोड़ी बहुत, और मैकडोनल्ड्स फिर हमने लिया, वो खाया रैप मैंने, और क्योंकि आकिब ने थोड़ा सा काम से भी जाना था, किसी बंदे से मिलना था। मैंने कहा चलो फिर चलते हैं, आकिब ने अपने बंदे से मिलना था, वो मिले, फिर उसके बाद ये खाया, फिर हम आ गए थे घर। अभी हम आ गए चाय पीने के लिए। चाय तो बनती है रात में, चाय तो मस्त है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। हाय, आज तबीयत बहुत ख़राब है, रात से तबीयत ख़राब है, पेट के मामला कुछ गड़बड़ हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। आज जाना भी था, शॉपिंग के लिए भी जाना है आज लाजमी, क्योंकि मेरे पास अब टाइम भी नहीं है बिल्कुल भी, और क्या करें। एक रग भी वहाँ से कॉल आ रही है कि चलते हैं आज, क्या उसकी भी तबीयत सही नहीं है। लेकिन अब सोच रही हूँ कि हिम्मत करूँ, हिम्मत करके चलती हूँ। समझ में नहीं आ रहा आज खाऊँ क्या, अभी देखती हूँ। उठ गई हूँ, कुछ खाते पीते हैं, रेडी होते हैं, और फिर हिम्मत करते हैं जाने की। सो अभी मैंने ये बनाया है अंडे में डिप करके ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, और इसका अंडा डिप हुआ हुआ है, इसको मैंने फ्राई कर लिया हल्का सा, बिल्कुल ऑयल में, हल्का सा घी में, और अभी ये खाती हूँ फिर चलते हैं। सो गाइस, हमारा जाने का जो था प्रोग्राम वो हो चुका है कैंसिल, क्योंकि जो है ना इकरा की भी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी भी मैदे में दर्द हो रहा था, और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी भी हिम्मत नहीं है आज जाने की बिल्कुल भी, तो इसलिए कैंसिल कर दिया है। और आज जो है बस अभी मैं सोच रही हूँ मैं क्या बनाऊँ, कुछ लाइट सी गज़ा ले लिए। तो मैंने यहाँ पर मूंग की दाल और चावल जो है, मूंग की दाल और चावल भिगो दिए थे, तो मैं बना रही हूँ खिचड़ी थोड़ी सी। मैंने इसमें एक टमाटर भी डाला है खिचड़ी में, अभी ये रेडी करके यही खाऊंगी, तो क्योंकि पेट के लिए सही रहती है ऐसी चीज़। तो बस आज यही है, कल देखो इंशाल्लाह ताला शायद हम कल जाएं, वैसे है तो कल का बाकी अल्लाह मालिक है। आउच, ओह माय गॉड, अभी ये खाना गर्मा गर्म मेरे ऊपर गिर जाता, बच गई मैं जलते जलते, आज बहुत बुरा। ये ना मुझसे ना ये इसका ये पूरा ऐसे हो गया, नीचे गिर गया। ओए होए होए होए, अल्लाह ने आज बहुत बचत कर दी अभी ये गिर जाता पलट कर मेरे पाँव पे। ये रेडी हो गई जी मेरी खिचड़ी, साथ दही, साथ अचार, मज़ेदार सा इसको खाते हैं, मज़ा आ गया। कभी कभी हल्की रोज़ा खाने में भी मज़ा आता है। हाय जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक आप सबको, दुआ में याद रखिएगा। अभी पढ़ते हैं नमाज और आज जाएंगे हम कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीदने, जो शॉपिंग पर कल हमें जाना था वो प्लान तो कैंसिल हो गया था, बट हम आज जाएंगे, अभी जल्दी से रेडी हो जाती है, नमाज़ पढ़ते हैं। अम्मी लोग तो आ गए हैं, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ मैं भी हो चुकी हूँ रेडी, करा कॉपीराइट आ जाएगा, एक मिनट, मैं भी हो चुकी हूँ रेडी। हम जब तक पता नहीं कुछ चेक वगैरह कर रहा है गाड़ी को, और ये मुझसे वीडियो बनवा रही है, और इधर इधर आओ, ये देखो ये मैंने
मैंने क्या लिखा है गाइस को बता सकता है क्या है शेख क्या नहीं शेख क्या नहीं नजर नहीं आ रहा ठीक से ना कॉपीराइट आ जाएगा हाँ चलो यार करा छोड़ ठीक है क्या हुआ वाला ये वाला कलर निकाल दो सबसे अच्छे मिलते हैं वैसे बहुत अच्छे होते हैं चलो आ गया वीडियो बना दो बना दोगे मेरी बना देगा मेरे बना दो ये रखवाना है गोल दामन की कमी एक्सपेंसिव है भाई इस दफा तो और भी ये अच्छे हैं ना ये न्यू अराइवल लग रहे हैं ना ये और लोग भी आ रहे हैं कैमरे नहीं मुझे वाइट नहीं लेना बट नहीं तो इसमें और भी कलर मिल नहीं इस कलर की कौन सी ये सारा सब बिना मैडम चलो मैंने डबल वाला बैग दिया मरना आता भी लोग बनाती यार अब याद आया है इकरा के साथ प्रैंक किया है मैंने मोबाइल का आईफोन का मैंने अपने बैग में रख के बोला नहीं है इकरा की जान हलक में आ गई कहाँ गए बोलो कहाँ गई कुछ खाते हैं फिर बाद में देखेंगे अम्मी अपने लिए ड्रेस सही है अम्मी है अम्मी बाद में देखेंगे पहले कुछ खा लेते हैं बाकी आप हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी चलने फिरने की भी मेरी सही नहीं ये वाली कर ली बस 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 ये ना डाले अम्मी उठाए अम्मी कैसे उठाएंगे ये हमारी थाली आ गई है अम्मी लोग इकरा और अहमद की आ गई है हमारी आ गई इतना सारा खाना तुम लोग खा जाओगे डाकू चलो भाई खाना शाना हमने खा लिया है वो तो ख़त्म हो गया है ये बच गया है थोड़ा है ना हाँ पीच का जूस फ्लाइट से आ रहे हैं जल्दी आओ
भाई भी हो गए। नहीं भाई, तो मैंने गजरे दिला दिए। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। चलो जी आ गए हैं हम। अरे यार ये ताला कैसे खोलूं? अल्लाह, आखिर मैं डर गई हूँ। अच्छा इस मैं तो फूट पांडा की वजह से आई हूँ। मैंने कहा वो आ गया गेट पर ही है, मुझे क्या पता था आप। हाँ जी हाँ, ये ले। तो जनाब पानी वानी नहीं था ना, मैंने कहा आप गए हुए दूर तो थोड़ा देर से आओगे शायद, इसलिए जो है मैंने फूड पांडा से ऑर्डर कर बड़ी बोतल भी मंगवाई, छोटी भी मंगाई, कुछ चीजें वीजें मंगाई हैं। क्या वो गई नहीं आप, जल्दी कैसे आ गए? अच्छा नहीं गए फिर, बोल रहा है 11 बजे। काफी ज्यादा सामान है ना, पानी की बोतलें लाए। ये मैंगो में है ना, ये इसमें यही थी है जो अल्लाह तो आखिर एक एक है मैंगो में नहीं ना। सो गाइज मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ और ये था हमारा ब्लॉग, ये थी हमारी शॉपिंग आज। बस हमने छोटी मोटी थोड़ी बहुत शॉपिंग करी क्योंकि जाहिर है ईद के बाद हम लोगों ने पंजाब निकलना है शादी के लिए और कपड़े शपड़े सब चाहिए होते हैं जब बंदा जाता है कहीं पंजाब वगैरह, तो गर्मी भी बहुत पड़ रही है वहाँ। तो बस कुछ लॉन वगैरह के सूट लिए थे मैंने और आँख में खुजली मच रही है। सो बस ये चीज़ें लिए, बाकी छोटी मोटी तैयारियाँ तो चलती रहेंगी, आपको पता है ईद भी है, ज़ाहिर ईद की भी तैयारी करनी है। तो ये था मेरा व्लॉग, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। आगे के व्लॉग्स भी अच्छे अच्छे आने वाले हैं, तो अभी से ही सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को मेरे व्लॉग मिलते रहें।